नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं शाहजहानपुर में रहता हूँ। किसी जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ककड़ी की खेती वो किस प्रकार से कर सकते हैं और इसकी बुवाई की विधि क्या है। आइए आज हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ककड़ी की जो खेती होती है वो यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ पर देखो एक ककड़ी के जो नार हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पौंड़ चुके हैं और इसके लिए हमें शुष्क मिट्टी की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें वातावरण बहुत ही शुष्क और बढ़िया होना चाहिए। और इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे फूल, जो पीले पीले फूल हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि इसमें फल हैं वो अब लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बल्कि हम जो फल थे वो हमने तोड़ लिए हैं, तोड़कर अब हम बाज़ार में लेके जाएंगे और वहाँ पर इनको हम बेच देंगे। बेचने में जो हमें मूल्य प्राप्त होगा वो बहुत ही बढ़िया मूल्य प्राप्त होगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ककड़ी की खेती होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। ककड़ी का बीज होता है वो हम मार्केट से 2 या 4 किलो ले आते हैं और अपने खेत में हम प्लांट्स या खेत में 2-2 मीटर की दूरी पर उसको हम गड़ा देते हैं। गड़ाने के बाद जब वो बीज में से किल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तब हम उसमें घास वगैरह खरपतवार वगैरह की रुपाई कर देते हैं और हमें बहुत बढ़िया फ़ायदा भी मिलता है। ककड़ी के लिए हमें जो मिट्टी होती है वो दोमट होनी चाहिए क्योंकि उसी में ही ककड़ी की खेती बढ़िया मानी जाती है। और आप लोगों को बता दें ककड़ी हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट और खूबसूरत एक फल है, ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है। देखो यहाँ पर ये लगी हुई आप लोग देख रहे होंगे कितनी बढ़िया इसमें ककड़ी लगी हुई नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर ककड़ी लगी हुई और ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। कहीं कहीं पर बतिया भी आ चुकी है और कहीं कहीं पर लगना स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी ककड़ी लगी हुई है यहाँ पर देखो ये। और ककड़ी कहीं कहीं पे तो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुकी है क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत बढ़िया डिमांड है। मार्केट में लमसम 10 रुपये की एक, 70 रुपये की एक बिक जाती है। मार्केट में हम कहीं सड़क के किनारे या रोड के किनारे रखकर बेच देते हैं तो उसमें भी हमें फ़ायदा है। और इसके लिए हमें कहीं गांव में अगर कोई बड़ा विक्रेता आ जाता है उसको भी हम इकट्ठा दे देते हैं। इससे हमारी जो फ़ायदा होता है बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके लिए हमें जो खरपतवार होते हैं छोटे ये हमें खुरपी से निकाल देते हैं जिससे हमारा इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। और इसमें जो कोई कीट वगैरह लगता है वो भी हमें उससे भी हम बचा सकते हैं। और इसमें हम दवा वगैरह डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें जो कीट लग जाता है वो उसी की मात्रा में हम उसमें मिला दे रहे हैं ताकि जो कीट होता है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है और मर जाता है। धन्यवाद।